हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा रनिंग बोट की वायरिंग करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका। दोस्तों देखिए, दो स्विच हैं इसमें और दो टू पिन सॉकेट हैं। मैं इनकी वायरिंग करने का आपको बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताऊँगा। इस तरह के बोर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं और बहुत ज़्यादा घर में यूज़ करे जाते हैं, तो मैं आज वायरिंग करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, दोनों स्विच हैं ये, और हमें करना ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो हम कनेक्शन करेंगे, जो भी वायरिंग करेंगे, फेस से स्टार्टिंग करेंगे, फेस देंगे, करंट देंगे, तो सबसे पहले ये देखिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस दे देंगे। रेड कलर का तार दे दिया हमने फेस में लगाने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए तार छेद दिया, तो दोनों स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे देंगे। दोस्तों मैं जब भी कोई भी वायरिंग करने की ट्रिक लेके आता हूँ तो बहुत आसान तरीके से लेके आता हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो कनेक्शन करने में, बोर्ड की वायरिंग करने में। तो ये देखिए, ये एक ऐसी ट्रिक है वायरिंग करने की जिससे कि आप कनेक्शन कभी भी किसी भी कितने हैवी बोर्ड के कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने दोनों स्विचों में नीचे वाले पॉइंट पर रेड कलर का फेस ये दे दिया है। देखिए फेस दे दिया है। अब दोस्तों मुझे करना ये है कि मैं स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, किसी भी स्विच के ऊपर वाला पॉइंट, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट ये देखिए फेस दे दिया दोस्तों, मैंने दोनों स्विच में फेस दे दिया। अब मुझे करना ये है कि दोस्तों मैं फेस दूंगा सॉकेट में, और सॉकेट को मुझे कनेक्शन करना है स्विच से, मैंने स्विच से ऑन ऑफ करूँगा सॉकेट को। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों देखिए, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट फेस काट कर देखिए मैंने सॉकेट को दे दिया। दोस्तों वायरिंग करने की बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अब दोस्तों देखिए, कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों इसी तरह से मैं दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के मैं दूंगा, दूसरे जो सॉकेट है टू पिन सॉकेट उसको मैं कनेक्शन दे दूंगा। दोस्तों हमेशा वायरिंग करते समय दो कलर के तारों का इस्तेमाल करें, उससे होगा ये कि आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी भी नहीं होगी, कभी भी किसी तरह के बोर्ड रिपेयर करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों स्विचों से फेस काट के मैंने दोनों टू पिन सॉकेटों में दे दिया है। ठीक, अब दोस्तों मुझे करना ये है, फेस बोर्ड में कंप्लीट हो चुका है, मैं बोर्ड में दूंगा न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल के लिए दोस्तों देखिए मैंने ब्लैक कलर का तार ले लिया है। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं दूंगा टू पिन सॉकेट में न्यूट्रल। यहीं से न्यूट्रल उठा कर मैं दूसरे
सॉकेट को भी दे दूंगा। दोस्तों वायरिंग करने की बहुत अच्छी और आसान ट्रिक है ये। इस तरह से वायरिंग करेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे कनेक्शन करना बोर्ड में। किसी भी कैसी भी वायरिंग आप आसान तरीके से कर लेंगे। ये देखिए वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोनों स्विचों में हमने दिया है फेस, फेस से स्विच दोनों सॉकेटों में स्विच से फेस काट कर दे दिया है। ये देखिए न्यूट्रल दिया हमने और यहीं से उठा कर न्यूट्रल दे दिया दोस्तों। ठीक है ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों मैं इसे अब चेक कर बताता हूँ आपको। हमेशा दोस्तों याद रखें चेक करते समय, ये देखिए बोर्ड में करंट दे दिया। इस वाले स्विच से हमने इस टू पिन सॉकेट करा था, ये देखिए जल रहा है। ठीक ये देखिए वायरिंग समझ नहीं आ रही। ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर करिएगा।